अरे बहुत सुंदर बात कबीर कहते हैं, चढ़ी अखाड़े सुंदरी खेले पिए सोखे। ये जो रगड़ है ना, ये खेली तो है, ये प्रियतम से खेले जाने वाला खेल है। कभी कभी प्रियतम आगे है और कभी कभी प्रेमी आगे है। अरे चढ़ी अखाड़े सुंदरी और खेले पिए से खेल, दीपक जोया भाव का। कह रही ये जो भाव का प्रेम का दीपक जलाया है, कह रही इसमें जल क्या रहा है, जले काम का ते। बोले धीरे धीरे, बोले धीरे धीरे सब कामना समाप्त होती जाती। उलट बासी कहते हैं कबीर, अजब अचंबा देखा हमने, कह रही अजब अचंबा देखा हमने, और नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले भाग। बहुत लोगों से मैंने पूछा, सबने अपनी अपनी बात बताई, फिर संतोष नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भाई जिसने कहा है उसी से पूछना चाहिए। तभी कल मैं आपको कह रहा था, ये मेरे साधक जीवन का अनुभव है। वो जो दो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई ना, हवाओं में रहेंगी ख्यालों की बिजलियां, ये मुश्त खाक फानी रहे न रहे, संत अपने पंच भौतिक देह से यहां हो ना हो, लेकिन संत की चेतना यहां सदा रहती है, सदा रहती है। जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है वो इस अस्तित्व में है, वो तरंगों के रूप में विद्यमान है। जब कोई योग्य कोई पात्र आता है, वस्तु अपने आप को प्रकट कर देती है। इट्स अ डिवाइन प्रोसेस। ये प्रकृति की बड़ी दिव्य लीला है। तो कहने वाला कह रहा है, हवाओं में रहेंगी ख्यालों की बिजलियां, ये मुश्त खाक फानी रहे न रहे। जब मुझे कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने कहा भाई कबीर जी के ही पास जाकर बैठना चाहिए। और शब्द का मर्म प्राप्त करने की विधि क्या है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। ये जो वाणी को बार बार गाना है, ये घर्षण ही तो है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, प्राण रम रही हरिवंश बाणी, गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। जो घर्षण है ये सुप्त ऊर्जा को प्रकट करने वाला है। गाते 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 उसी शब्द को गाते गाते उस शब्द का मर्म प्रकट होता है, क्योंकि उसमें चेतना है। कौन कहता है पत्थर जड़ है? अगर पत्थर जड़ हो तो पत्थर को घिसने से अग्नि कैसे प्रकट होती है? अग्नि प्रकट नहीं होती है, एनर्जी के निदर बी क्रिएटेड। पत्थर ऊर्जा को पैदा नहीं करता है, वो सुप्त होती है उसमें, उसको जागृत कर देता है। वो जो घर्षण है वो उसको जगा देता है। ऐसे ही जो शब्दों का बार बार गाना है, ध्याना है, ये शब्दों के तत्व को प्रकट करता है। गुरु के मुख से प्राप्त हुए शब्द की भी यही तो महिमा है। उस शब्द को बार बार रटने से, गाने से, ध्याने से, जपने से उस शब्द का जो तत्व है वो हृदय में स्फुरित होने लगता है, प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं वाणी में, अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। इसीलिए कह रहे हैं, कोई ऐसा रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। तो मैंने सोचा भाई कहीं से नहीं पूछते, जिन्होंने कहा है उन्हीं का जो हार दे वो जानना चाहिए। तो मैंने प्रयोग करके देखा, मैंने ये दो पंक्तियां ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उठते बैठते ये ध्यान रहेगी, भाई क्या कहना चाह रहे हैं कबीर। अजब अचंभा देखा हमने, फिर नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले भाग। फिर धीरे 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 ये रहस्य, जैसे कमल खिलता है ना, ऐसे धीरे धीरे ये रहस्य का कमल खिला। कह रहे गुरु की कृपा हुई,
और कह रहे वो जो विषय और वासना का जल जन्म जन्म से भरा था हमारे भीतर, कह रहे गुरु की कृपा से असंभव संभव हुआ, जो अनहोनी थी वो होनी हुई। और कह रहे नदियां लागी आग, उस नदी में आग लग गई। कह रहे वो विषय का सारा जो जल था वो जल जल गया, पानी पानी जल गया। और कह रहे उस पानी में रहने वाली मछली कौन है? कह रही मेरी जीवात्मा। अब वो जीवात्मा जो है फागुन के दिन चार, वो प्रियतम के साथ फाग खेलती है। ऐसे एक जगह कबीर कहते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी वाणी। अरे बरसे कंबल भीगे पानी, होता तो ये पानी बरसता है कंबल भीगता है, वो कह रहे बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी वाणी। कम कहते हैं जल को और कंबल कहते हैं नेत्रों को। कंबल माने जिनको जल का बल है। कभी कभी कोई रोग हो जाता है, आईज ड्राई हो जाती है, आंख में जल सूख जाता है, आंख में जल बना रहे ये बहुत आवश्यक है। नेत्रों में जल बना रहे, नमी बनी रहे, आर्द्रता बनी रहे। तो कंबलम, जिनको जल का बल है वो नेत्र हैं। तो अरे बरसे कंबल और भीगे पानी। पानी किसको कहते हैं? ये पानी है ना, पानी ग्रहण होता है ना। कह रहे भीगे पानी, ये कौन सी अवस्था की बात है? मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहेब अजहुन आया, सखी मंद हमारे भाग, मंद हमारे भाग। उस समय गाते हैं कबीर, बरसे कंबल और भीगे पानी, अश्रु पहुंच पहुंच के मेरे हाथ भीग गए हैं, दास कबीर की उल्टी वाणी।